अररिया के क्वारंटाइन सेंटर को देख सरकार के दावों की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। अररिया के क्वारंटाइन सेंटरों के खराब हालात से संक्रमित मरीज बेहाल है। न तो गद्दे पर एक बार के बाद चादर बदलती है और न बिजली जाने के बाद जनरेटर चलता है। खाना भी बस पेट भरने लायक है। रात में मच्छर सोने नहीं देते। कई बार यहाँ के स्टाफ को कहा गया मगर एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। आइसोलेशन वार्ड में जगह जगह फैली गंदगी से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। पौष्टिक खाना और सही इलाज न मिलने से मरीजों की हालत काफी खराब हो चुकी है। अररिया के फारबिसगंज ANM कॉलेज में कोरोना संक्रमितों के लिए बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किए मरीजों की तबीयत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। कब डेथ हुआ है मरीज का? 11:05 पर डेट हुआ। रात में। यहाँ के जो प्रभारी डॉक्टर हैं, आइसोलेशन इंचार्ज डॉक्टर संजय कुमार कहाँ हैं? संजय कुमार नहीं थे सर। अच्छा, कहाँ? वो पूर्णिया से नहीं आए? नहीं आए। ओ, तो यहाँ फिर क्या हो रहा है इसका? ये तो कल रात में ही इसकी मौत हुई है, फिर क्या हो रहा है? रेफर हुआ था। अच्छा, रेफर हुआ, बस जाते जाते रास्ते में 11:05 पर डेट हो गया। 10 बजे इसको रेफर किए, 11:05 पर डेट हो गया। क्या कर रहे हैं इसका? इसका भेजेंगे वहाँ नरपतगंज। अच्छा, इसका घर पर। अच्छा, उसके बाद वो क्या करता है नहीं करता है? आप आइसोलेशन वार्ड में ही रहते हैं? जी। तो यहाँ के जो आइसोलेशन इंचार्ज डॉक्टर संजय कुमार है, पूर्णिया में रहते हैं, तो आप लोग इसकी शिकायत नहीं करते हैं? शिकायत कभी कभी आते हैं देखने के लिए। अच्छा, बीच बीच में आ जाते हैं देखने के लिए। वहाँ से दूरी है इसीलिए वो भी बोलता है कि दूरी है। सप्ताह में 2 या 3 दिन आते हैं प्रभारी सर, यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। कौन है प्रभारी? यही है राजीव बैसाख, वो प्रेजेंट रहते हैं, वही देखते हैं। अभी तो नहीं है वो, अभी तो खोज रहे हैं, तो कहीं नहीं है। अभी था, थोड़ा देर के पहले भाग गया। अच्छा, देख के मनमोद देख के भाग गया? नहीं, वो भी आ रहा है, बोला कि हम भी आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा। उठाने के लिए सब डॉक्टर आएंगे। दरअसल यहाँ भर्ती हुए एक मरीज की बदहाल व्यवस्था के चलते तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे रेफर कर दिया गया और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद आइसोलेशन सेंटर में खौफ का माहौल बना हुआ है। तो क्या क्या समस्या यहाँ पे आप लोगों को? यहाँ समस्या ही समस्या है। खाने का व्यवस्था ऐसा है कि सुबह चूड़ा जो है घुमनी और उबला हुआ आलू मिलता है। आज मेरा 6ठा दिन है। और नाश्ते में जो है, ये दोपहर में जो है आलू सोयाबीन और चावल, रफ चावल दिया जाता है। जो कोटा में भी विद्यालय में जो बच्चे को दिया जाता है चावल, उससे भी रफ चावल दिया जाता है। और रात में जो है हम रोटी खाते हैं, हम मांगते हैं तो हमको 2 रोटी से अलावा अधिक नहीं मिलता है। कितना भी प्रयास करते हैं कि बाबू जो हम रोटी खाते हैं, जवान आदमी है, तो 2 ही रोटी हमको मिलता है, वही रोटी सोयाबीन आलू तरकारी। क्या यही व्यवस्था है यहाँ बिहार सरकार का? और सरकार जो अच्छा खासा पैसा खर्च करती है इस पर, सब बंदर बात करता है, और इसको जो है कैदी से भी जब बदतर इसका रहन सहन है यहाँ खाने पीने का। खाने का स्वाद कैसा रहता है? एकदम स्वाद कुछ नहीं है, एकदम नो मटेरियल, नो कोक, पौष्टिकता नाम का कुछ ही नहीं है। जबकि हम लोग एक तरह से रोगी हैं, सारे लोग पेशेंट हैं। जब खाना ही नहीं मिलेगा तो क्या स्वस्थ रहेगा लोग? अच्छा, गर्म पानी मिलता है यहाँ? क्या गर्म पानी नहीं मिलता, अपने से हम लोग को बनवाना पड़ता है, जग खरीद के गर्म करते हैं। डॉक्टर लोग आते हैं क्या? डॉक्टर लोग नहीं है, जब जिसको परेशानी है वो एक 2 बार 3 बार 4 बार अपोज करता है तब आती है वो। मतलब आप लोग व्यवस्था से खुश नहीं है? नहीं नहीं, व्यवस्था नहीं, सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड व्यवस्था है यहाँ पर, सिस्टम एकदम बिगड़ा हुआ है, एकदम बिगड़ा हुआ। पीड़ित मरीजों ने कहा कि यहाँ ना तो डॉक्टर सही से चेकअप करते हैं और ना ही अच्छे से दवाई दी जाती है। खाना भी भगवान भरोसे ही रहता है। मेडिसिन का क्या दिक्कत यहाँ पे? डॉक्टर साहब एक बार आए हैं 3-4 दिन में, एक बार पूछे, हमने प्रॉब्लम बताया कि वीकनेस है और खांसी है। मैंने बोला सर दवाई दीजिए, बोला ठीक है दवाई देते हैं, बोला ठीक है देते हैं, और चले गए और आए ही नहीं। 2 दिन किए ऐसे हैं और आए नहीं, अब तक एक भी मेडिसिन मुझे नहीं मिला है। यहाँ पे पूरा वीकनेस है, गर्म पानी का कोई सुविधा है नहीं, खाना में सिर्फ आलू मिल रहा है, आलू वाला सब्जी, कोई चेंजिंग नहीं, कोई हरी सब्जी नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है। हमको लग रहा है कि वायरस से क्या, कोरोना वायरस से क्या, हमको लग रहा है कि इनका खाना का वीकनेस, हम मर जाएंगे खाने इतना से, बहुत दिक्कत हो रहा है, खाना कमजोरी हो गया पूरा। खाना में सब्जी सिर्फ दाल वाला पानी मिल रहा है, सब्जी आलू वाला मिल रहा है, कोई उसमें चेंजिंग है ही नहीं, हरी सब्जी कुछ मिल ही नहीं रही है। कितने देर से आप यहाँ पे हैं? करीब हम 17 तारीख रात से भर्ती है। अच्छा, व्यवस्था बिल्कुल? व्यवस्था बिल्कुल नील है। डॉक्टर साहब 3-4 दिन पे एक बार आए, आप सोच सकते हैं, एक बार आते हैं मतलब दवाई मिला ही नहीं, तक एक भी मेडिसिन मुझे नहीं मिला।
वहीं जिले के सिविल सर्जन ने आइसोलेशन वार्ड में निकम्मेपन का ठीकरा आइसोलेशन के डॉक्टरों पर फोड़ रहे हैं। अति है पदस्थापित है और मंडल अस्पताल फारबिसगंज में, लेकिन वो रहते हैं पूर्णिया में, सिजेरियन के एक्सपर्ट है, घूम घूम करके सिजेरियन करते हैं। उनको उनका मैंने उनके काम नहीं करने के चलते मैंने उनका वेतन जो है सो रोक दिया है। इसके बावजूद भी उन पर कोई असर नहीं है। रात में कल एक फारबिसगंज में पेशेंट मर गया है, इसकी जानकारी तक उनको नहीं थी। सवेरे में उनको जानकारी हुई है, पता नहीं अभी तक फारबिसगंज आया है कि नहीं। कोरोना से संबंधित पेशेंट था क्या? हाँ, कोरोना पॉजिटिव मरीज था। आइसोलेशन सेंटर में भी ड्यूटी है इनका? हाँ, आइसोलेशन सेंटर में भी इनका ड्यूटी है ना, इनको रोज वहाँ रहना है, एक एक मरीज का गति लेना, बीएचपी सब चेक करना है कि सभी मरीज। लेकिन कुछ कुछ होता नहीं है वहाँ सर भाई, नहीं इसीलिए ना है। संजय कुमार जो है सो उसको हम लोग इसलिए वेतन रुके हैं, रोज फोन पर कहते हैं कि आप काम कीजिए काम कीजिए, ना तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इसके बावजूद वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब जो है सो विभाग को लिखना होगा, डीएम साहब के भी अति में है। बिहार में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार संक्रमित लोगों को आइसोलेशन वार्ड में बेहतर सुविधा देने के लाख दावे करे, लेकिन इन दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अररिया से राकेश की रिपोर्ट।